हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उनका देखेंगे कि बाई करना चाहिए या अगर पहले आपने बाई कर रखा है तो उनको रखना है या एवरेज करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प से। तो जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है इसमें दिख रहा है। यहाँ का लो बनाया था, ये लो आप देख सकते हैं, जब ये इस डेट का है यानी 8 मार्च का, और इसका लो था 216 का और उससे ये 279 तक गया है और ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं 10 से 12% ईजिली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये फ्रेंड्स प्रॉफिट जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है, बाकी आप अपना खुद एनालिसिस करके फिर इसमें जो है बाइंग करना है या क्या करना है वो आपका डिसीजन आपको लेना है। बट मेरा जो व्यू है वो यही है कि यहाँ अगर ये ब्रेकआउट देता है जिसके हाई चांसेस हैं और ब्रेकआउट के बाद अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का पहला स्टॉक, दो तीन स्टॉक हैं, दोनों तीनों डिस्कस करेंगे और इसका ये वन डे का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये 4 आवर भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये जैसे आपको मैंने बताया था कुछ से एक वीडियो में कि यहाँ पे जैसे ये लो था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद में इधर आई, लो हाई फिर लो फिर आई। तो आप इससे कुछ समझ रहे होंगे कि जब लो बनता है फिर उसके बाद हाई फिर हायर लो हायर हाई, ये कुछ ऐसा सीक्वेंस बन रहा है और यहाँ से इसका जो है ब्रेकआउट के हायर चांसेस है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा, खुद एनालिसिस कीजिए उसके बाद इसमें जो है ट्रेडिंग कीजिए। फ्रेंड्स आज का ये सेकेंड जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ ये जो मैंने तीनों लाइन ड्रॉ की है, तो रेड लाइन है 13 EMA, ये 200 EMA और ये 50 EMA है। तो आप देख सकते हैं 200 EMA के आसपास है और एक बार इधर भी 200 EMA के पास आया था, तो सेम पॉइंट पे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। 200 EMA जब तक ब्रेक ना करे तब तक इसके हायर चांसेस है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस खुद करना है, कैंडल वगैरह देखना है और इसके हायर चांसेज है कि ये यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर आप देख सकते हैं इसको जो है नज़दीक में कोई रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा नहीं और ये काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न देगा। और जैसा मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ कि 10 से 12% के रिटर्न मिल जाते हैं तो उसके बाद आप जो है उसमें प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और उसको अगर कैरी ऑन करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ही जो है होल्ड करना है और यहाँ से आप देख लेना और ख़ुद भी एनालिसिस कर लेना। कोई भी स्टॉक बाई करने का तो मैं किसी को सजेशन नहीं देता हूँ, मैं अपना जो व्यू है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो थोड़ा इसमें आप जो है अपना भी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद इसमें जो है स्टॉक में देख सकते हैं। और आज जो है इसका देख सकते हैं, यहाँ जो है यहाँ का लो बनाया था और सेम इधर भी ऐसा ही था, यानी ऑलमोस्ट जो है सेम पॉइंट से सपोर्ट लिया है। और जहाँ अगर सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और यहाँ 200 EMA भी इसके नज़दीक ही है, तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। फ्रेंड्स आज का ये तीसरा स्टॉक है, तो आप ये देख सकते हैं भाग्यनगर प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वन डे का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और ये 200 EMA के पास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसके हायर चांसेस हैं कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले, जैसे ही कल अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और जैसे ही ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, यानी 12 से 13% के रिटर्न आपको स्विंग ट्रेडिंग में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है 35.7 का। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अप्रोक्सीमेट 10 से 12% रिटर्न ईजिली मिल जाएंगे और ये 200 EMA को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर उसका दोबारा वेट करना है कि जैसे ही ये 200 EMA के आसपास आता है तभी हम इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और फ्रेंड्स ये तीनों जो स्टॉक हैं कल आपको पूरी तरह से इसको फॉलो करना है और जैसे ही कुछ ऐसा कैंडल बनता है ऊपर की तरफ तो आपको इसमें जो है बाइंग करना है। जब तक 200 EMA ब्रेक ना हो तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सेफ रहेगा और यहाँ अच्छे रिटर्न की संभावना है। वैसे मैंने दोनों तीनों स्टॉक बताया, ये मेरा व्यू था, आप अपना जो है एनालिसिस करके इसमें बाई कीजिए। और फ्रेंड्स जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही अपडेट लेके आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।